Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. रमजान का छठा रोजा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. मतलब अनबिलीवेबल गाइस, 6 रोजे हो भी चुके हैं. मतलब एक अशरा कंप्लीट होने वाला है, फिर दूसरा अशरा स्टार्ट होगा, फिर तीसरा और फिर रमजान खत्म. रमजान तो बस आता है, पता ही नहीं चलता कब आया और कब गुजर गया. बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, रोजे बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोग के रोजे भी बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे होंगे. आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी. आ रही है ना पसंद? मैंने बोला रमजान स्पेशल ब्लॉग्स है तो उसमें कुकिंग भी होनी चाहिए. जहां जहां मैं जा रही हूँ उसके ब्लॉग्स भी होने चाहिए. हर चीज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, तो मैंने ये आइडिया निकाला. अच्छा किया है ना? जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बताओ. तो आज हम बनाएंगे छठी इफ्तारी. इफ्तारी में हम आज क्या बनाने वाले हैं वो तो हमारी मास्टर शेफ कमल काशिफ खानी बताएंगे. तो चलिए किचन में चलते हैं. सो मामा आ चुकी हैं किचन में और आपको पता है कि मामा मास्टर शेफ हैं. उनको हर चीज पता होती है, कब क्या बनानी है, कैसे बनानी है. शी नोज एवरीथिंग. मामा अस्सलाम वालेकुम. आप सबको छठा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से. उम्मीद है आप सबके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे और 6 रोजे गुजर चुके हैं. भाई आप लोग के कैसे गुजरे ये जरूर बताइएगा हमें. और आज हम हमारी वीडियोस देखकर तो बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, मुझे पता है. इतने प्यारे कमेंट्स मम्मा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल खुश हो गया. इतना प्यार लोगों ने दिखाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. मतलब इतना ज्यादा मुझे स्पेशल फील करवाया है. और मैं चाहती हूँ कि आगे जितने भी वीडियोस मैं बनाऊँ वो मेरे फैंस को पसंद आए. रमजान के बाद भी वैसे तो पसंद आते हैं, लेकिन जितना प्यार मुझे रमजान में मिला है ना इस रमजान, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड गाइस, बी वेरी ऑनेस्ट. बस आई लव यू ऑल. तो आज हम इफ्तारी में बनाने वाले. मम्मा ने जैसे कि फर्स्ट इफ्तारी में बताया था कि हमारे यहाँ छोले जो हैं वो भुने हुए बनते हैं, कुछ खटाई वाले छोले बनते हैं. तो खटाई वाले छोले आज मम्मा बनाने वाली है. स्पेशली रात को खटाई बनाई है इन्होंने कि आज मैं वीडियो में खटाई वाले छोले बना के दिखाऊंगी. आप बताएंगे रेसिपी खटाई कैसे बनाई? जी मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को खटाई मैंने कैसे बनाई. पहले मैंने इमली को पानी में अच्छी तरह भिगो दिया था और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था भिगोकर. फिर उसको हाथ से अच्छी तरह मसल के उसके बीज आपने निकाल लेने हैं, ठीक है. उसको बीज को हटा के उसमें पानी इतना ऐड करना है कि जितनी आपको खटाई बनानी है. उसको चूल्हे पे रखना है पतीली को और चमचा चलाते रहना है कि जब तक उसमें जोश ना आ जाए अच्छी तरह. जब वो बबल जाएंगे, हाँ, बबल जाएंगे वो पक जाएगा फिर अच्छी तरह. हम कॉर्नफ्लावर के 2 चमचे इतना गाढ़ा करेंगे उसको कि खटाई में आपको दिखाऊंगी अभी किस तरह गाढ़ी गाढ़ी सी हुई है. मतलब इतनी ही अंदाजा होना चाहिए, अंदाजा आपका खुद से भी होना चाहिए. जाहिर है जब आप कुछ बनाने खड़े होते हो तो आपको पता ही खटाई हमें कितनी पतली करनी है, कितनी गाढ़ी करनी है. तो उस लिहाज से ये करना है, उसमें पानी डालना है और बाकी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया. बाकी आप जब छोले बनाएंगे तो मैं आपके सामने वो चीजें डालूंगी तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्या क्या चीजें डाली. ऑलराइट मामा, ठीक है. आप प्लीज खा रहे हैं कि खटाई? खटाई आप लोग देख सकते हैं. आपकी बहन कह रही है बिल्कुल लो हो रही है अभी. ठीक है, तो हमारी खटाई जो है ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपने बॉयल करके छोले रखे व्हाइट छोले इसमें खटाई वाले में ना लाजमी व्हाइट अगर डालें तो बहुत अच्छा है. वैसे तो खैर ब्लैक में भी आप यूज कर सकते हैं मगर मैं व्हाइट करती हूँ. मैं भी बता दूं मैं क्या बनाने वाली हूँ. मैं बनाने वाली हूँ खट्टे आलू. मैंने आपको पता है कि आलू की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. आलू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो मैंने सोचा आज क्यों ना खट्टे आलू बनालू, काफी टाइम से नहीं बनाया. तो खट्टे आलू की रेसिपी भी बहुत सिंपल होगी, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी. आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था. छोलों में मैंने खटाई डाल चुकी हूँ. अब मैं इसके लिए हरी मिर्चे, हरा धनिया और प्याज को काटूंगी बारीक बारीक, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी. अच्छा मम्मा, मेरे सर में एक सवाल आया है. जी वो सवाल ये कि खटाई जो होती है वो खट्टी होती है, ऑफ कोर्स. बिल्कुल. तो मतलब मिर्चों वाले छोले हो गए ना ये, तो एक तरीके से खटाई मिर्चों खटाई वाले मिर्चों वाले. हाँ. मतलब उसमें कोई मिठास नहीं है. नहीं मिठास तो अगर हमें मीठे छोले खाने हो वो भी खटाई वाले तो सब तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं अगर आप. हाँ वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा, डिफरेंट से आपके छोले तैयार हो जाएंगे. और इसको गरम गरम खाया जाता है पता है. अच्छा जी, ठंडे होके इतने अच्छे हैं लगते हैं. इसको गरम कर लें आप और माइक्रोवेव में अपने आराम से बॉल को रख दें और बहुत अच्छे बनते हैं फिर वो मजेदार. ओके. इसमें प्याज डलेगी धोकर अच्छी तरह, हरी मिर्चे बारीक बारीक कटेंगी, हरा धनिया कटेगा फिर वो ऐड होगा, चाट मसाला भी डलेगा भाई लाजमी.
ये मैं हरी मिर्चें भी काट चुकी हूँ और प्याज को मैंने अच्छी तरह धो के उसमें हरी मिर्चें डाली हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी, अच्छा मतलब कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं। मसाले अभी मैं इसमें डालूंगी, नमक डालूंगी। और आप जब अपनी प्याली में जब निकालते हैं ना इसको गरम गरम, उसके अंदर आप चाट मसाला ऐड करें और फिर इसको खाएं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। और इसमें मैं आलू भी भाई काटूंगी, छोटे छोटे से आलू भी डलेंगे इसके मतलब अंदर। आप मेरे आलू लेने वाली हूँ, मैं हाँ, मैं तुमसे आलू लेने वाली हूँ। आपने चाट मसाला ऐड करना है अभी। चाट मसाला डालूंगी मैं खटाई के बाद, अच्छा खटाई छोले और चाट मसाला, मैं कम डालूंगी, बाकी आप आगे अपने लिहाज से डाल सकते हैं। अगर आपको कमी बेशी लगे तो आप लोग अपनी मर्जी से डाल। इसमें जो मैंने ये सब चीजें आपके सामने काटी थी, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चे, तो ये सब मैं डालूंगी। पापड़ी वाह, पापड़ी भी इसमें ऐड होगी। भी ऐड होगी, मगर मैं अभी इसमें इसलिए नहीं डालूंगी कि आप सामने अपने प्याले में निकाल के और फिर पापड़ी डालें ओके, ऐसे तो नरम हो ज्यादा जाती अच्छा, है, ऐसे ठीक नरम हो जाएगी। हो गया। तो इसलिए ये रेडी हो गए हमारे, ये देख सकते हैं आप, छोले तैयार अच्छा मम्मा छोले मतलब तकरीबन तैयार हो चुके हैं हमारे, हो गए हमारे। अब सिर्फ इसको हम गरम करेंगे। तो ठीक है। लेकिन मुझे लगा था शायद ये भी कुछ छोले भटूरे का आइटम है, तो इसका क्या बनाएंगे आप? इसके मैं बनाऊंगी मीठे दही बड़े। मीठे दही बड़े, आई लव मीठे दही बड़े, बहुत मजे के होते हैं, स्पेशली बंस रोड के, वहां के ना भाई मजेदार। आलू जो है वो हमारे पीर हो चुके हैं, अब मैं आलू को बड़ा बड़ा कट करूंगी। अच्छा नमक डालते हैं, इसमें मैं नमक भी डालूंगी थोड़ा, जितना आप डालें अपने हसबे जायका। आलू भी डालूंगी। ये हमारे आलू कट गए हैं छोलों के लिए भाई। ये हमारे छोले देखिए आप रेडी हो गए हैं, इसके अंदर आप पापड़ी डालें और फिर इसको गरम गरम खाएं, बहुत मजे के लगेंगे आपको। भाई ये मैं बना रही हूँ दही बड़े, मूंग की दाल के बड़े, इसलिए कि रोजे के टाइम इतना कम टाइम होता है कि मैंने सब चीजें पहले से इसलिए रेडी करके रखी हुई है ताकि आप लोगों को मैं रेसिपी बता सकूं और आपके सामने बना भी सकूं, ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो ये है मूंग के दाल के बड़े। मैंने मूंग की दाल का एक आटा मिलता है बाजार में, उसको गाढ़ा गाढ़ा घोल लिया जाता है, उसमें जरा सा नमक ऐड होता है। अगर आप सोडा डालना चाहें तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है सोडे की, तो उसको आप ना मोटी मोटी सी जैसे आप पकौड़े बनाते हैं इस तरह बना के उसको आप रख सकते हैं, फ्रीजर कर सकते हैं। और फिर जब आपको निकालना हो थोड़ा सा अपने लिहाज से निकालें और गरम पानी में, नीम गरम पानी में इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दें, तो ये इस तरह की शक्ल हो जाए। इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के रखना है आप, ताकि ये फिर आपके जब दही में डले तो बहुत सॉफ्ट हो। तो ये बनेंगे मूंग की दाल के मीठे दही बड़े। ठीक है। अच्छा फीके भी बनते हैं मूंग की दाल के? मूंग की दाल के फीके नहीं बनते, वो माश की दाल के बनते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि माश की दाल के बड़े मैं किस तरह बनाती हूँ और वो आपके सामने किस तरह बनाऊंगी, ठीक है? तो वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी। जो जो आप लोग की फरमाइश है कमेंट सेक्शन में देना। अभी मेरे जहन में बिरयानी वाली फरमाइश है, आप लोग बोलो बिरयानी बनाए इफ्तारी में, तो हमने प्लान किया है कि हम बिरयानी वाली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बिरयानी बनाना सिखाएंगे, हमारी स्पेशल बिरयानी। इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ दही बड़ों में। आज मैं आपको बहुत सुस्त लग रही हूँ, कब से आलू ही इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड करूंगी दही के अंदर, जब चीनी मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह तो उसके अंदर जरा सा दूध भी डालूंगी ताकि वो और मजेदार से दही बड़े तैयार हो जाए आप लोगों के। रबीका के आलू कट हो रहे हैं, रबीका के थोड़े से रह गए, फिर रबीका आपको इसकी रेसिपी बताएंगी कि किस तरह खट्टे आलू बहुत यमी बनाती हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा। फाइनली गाइस कट हो चुके, फाइनली 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 कट कर ली। चीनी मामा ने दही में ऐड कर दिया, साथ ही साथ दूध भी ऐड किया है, अभी ऐड करना है। ओके। ये बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको रखना है और हल्का हल्का इस पे दही डालते रहना है ताकि ये टूटे भी नहीं और बहुत अच्छे से दही बड़े आपकी शक्ल भी बहुत अच्छी आए और खाने में भी अच्छे लगे। दही बड़ों का मसाला आता है जिससे दही बड़े और लाजवाब लगते हैं खाने में। हमारे मसाला आपको याद है ना हमने कहाँ से लिया था? ये बाबल आते हैं, एक स्पेशल जगह है हमारे यहाँ, वहाँ से हमारे सारे मसाले आते हैं। याद नहीं है लेकिन ये मसाला बहुत अच्छा होता है, अगर मुझे याद आएगा फिर मैं कॉन्वर्सेशन बता दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। जरूर, फिर आप लोग भी वहीं से जाके मसाले लिएगा, ठीक है? ये मैं डालूंगी दही बड़ों का मसाला। इसके बगैर दही बड़े बहुत फीके लगते हैं, अधूरे होते हैं मसाले के बगैर। बिल्कुल, तो ये मैंने इसमें ये डाल दिया है। इसके ऊपर भी आपको पता है क्या डालना है? पापड़ी। पापड़ी के बगैर तो दही बड़े आपको पता है अच्छे ही लगते। अच्छा। लाजमी पापड़ी ऐड होती है जब, तो दही बड़े मजेदार लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दही बड़े भी तैयार हो गए। नाउ इट्स माय टर्न मम्मा, हो गया आपका सब कुछ पकाना।
हमारा सब हो गया है। अब रबीका आपको बताएंगी, क्या बताएंगी रबीका? खट्टे आलू। चलिए अब हम चलते हैं मामा। इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए? मामा आप जस्ट मुझे ये इमली के बीच निकाल दें। सही है, ठीक है, अब हम चलते हैं उस साइड। गाइस मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जहाँ मुझे बनाने हैं खट्टे आलू। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल, ऑयल के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा, जीरे के बाद ऐड करूंगी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते ये मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ते हैं वो मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे मेरे पास इमली का पेस्ट है, इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक हसबे जायका, साथ ही साथ रेड चिली फ्लेक्स, फिर उसके बाद रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। बाकी मेरे पास यहाँ पे चीनी है वो मैं ऐड करूँगी। वो खुली मीरा बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, बहुत अच्छी लगती है जब खट्टे मीठे आलू होते हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। अब इन सारे मसालों को इमली के पेस्ट में मिक्स करूँगी, बट उससे पहले मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाले से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला ऐड किया है। इसमें मैं स्पून चलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो कि मैंने इमली का पल्प बनाया मसालेदार, वो अच्छे से मिक्स करके वो मैं ऐड करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वॉइस ओवर वाली आवाज़ क्यों आ रही है, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि वीडियो पूरी शूट हुई हुई है, आवाज़ इसमें से गायब है। आई डोंट नो क्या हुआ है अचानक से, बट आवाज़ नहीं है वीडियो में, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैं पार्ट्स वगैरह हटाऊँगी तो रेसिपी ऑब्वियसली आप लोगों को पता नहीं चलेगी, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही मज़े का लगता है, आपको पता है खट्टे आलू में हरा धनिया ना हो तो अधूरे लगते हैं। अच्छे से स्पून चलाऊँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे बॉयल पोटैटोस। अब मैं इसमें स्पून चलाऊँगी अच्छे से, जितना भी मसाला था वो मैं आलूओं में इस तरह से चम्मच चलाऊँगी कि सारा आलूओं में जब्स हो जाए और एक एक आलू में टेस्ट आए। अम्मा आप बताएं कैसे लग रहे मेरे खट्टे आलू? अरे भाई मेरा रोजा है, मैं कैसे बताऊं, मैं चख थोड़ी सकती हूँ कि कैसे बनाए रबीका ने। अच्छा शक्ल से पूछ रही हो तो ये बोलो ना, शक्ल से तो भाई आप लोगों को खुद भी नजर आ रहा होगा कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। जब मैं खाऊंगी तो मुझे बहुत यमी लगने वाले हैं, इसलिए कि शक्ल इतनी अच्छी है। मैं अच्छा ही बनाती हूँ। तो बेटी किसकी हो? नहीं हाँ जाहिर सी बात है, मुझे बहुत फख्र है कि रबीका खान मेरी बेटी है। जब भी मुझे अल्लाह ने एक ही दिए और सारे गुण माशाल्लाह से रबीका के अंदर मौजूद है। तो आप मैं बता दूँ इफ्तारी में आज हमारे पास खटाई वाले छोले, दही बड़े मीठे और खट्टे आलू आज जो हमने आप लोगों के सामने बनाया है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। खट्टे आलू की रेसिपी भी बहुत सिंपल थी, दही बड़ों की रेसिपी भी बहुत सिंपल थी, खटाई वाले छोलों की भी रेसिपी बहुत सिंपल थी, मतलब तीनों रेसिपीज बहुत सिंपल थी, आप लोग आराम से घर में बना सकते हो। इस वीडियो को जल्द से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई हम इफ्तारी में जूस या शरबत ही पीते हैं, डोंट वरी हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। मैं आऊंगी आज रात सहरी में, बहुत मजे की सहरी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप लोग देखेंगे, तो प्लीज प्यार बरसाना मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार बरसाना है आप लोगों को। आज रबीका ने बोली कोई बात नहीं, मगर मैं फिर बोलूंगी आप लोगों को बहुत सारा प्यार बरसाना है, इस तरह हम बहुत खुश होते हैं भाई आप लोगों से। दुआओं में भी याद रखिए। इसी वजह से मुझे एक बात याद आई है, लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आपने पिछले साल जो है वो कॉल्स ली थी, कॉल सेशन किया था, इस साल ले रहा बिकॉज ये रिकॉर्डेड है जो मैं अपलोड करती हूँ, बट मेरा प्लान ये है कि एक दिन मे भी मैं लाइव आऊँ, मैं अपने फैंस से बात करूँ, तो मेरा ऐसा कोई प्लान है, सो डोंट वरी, ये ख्वाहिशी मैं आप लोगों की पूरी कर दूंगी। मैं सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ ताकि आप लोग एक्साइटेड हो जाओ और ज्यादा। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।